कोई भी जिसका इंस्टॉल हो गया हो ऑनलाइन में क्या प्लान एंटीवायरस की प्रॉब्लम है तो भी प्रॉब्लम आ रही है। आई एम ए रिपेयर के बारे में बताया था क्या कट गया? आई एम ए रिपेयर कैसे करते हैं? क्या हुआ यादव जी? दुकान खुले टाइम टाइम पे नहीं खुलेगी ऑनलाइन तो सब लोग आ गए दो तरीके से हम लोग आई एम ए नंबर जो है रिपेयर कर सकते हैं। एक कौन सा है? आई साइड यानी परमानेंट, ठीक है। एम ए का ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा है, आई एम ए का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा? कैसे आएगा? कंट्रोल एम दबा, कंट्रोल प्लस एम करने से क्या आएगा? ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो भाई कंट्रोल प्लस एम दोनों बटन एक साथ, ये एक बार दबाओ, ये आ गए। यहां पे आई एम आई स्विच ऑफ, इस पे क्लिक करिए ऑफ। हां आई एम आई स्विच ऑफ, यहां पे हम मीडियाटेक की बात कर रहे हैं। एमटी के सीपीयू में इस तरीके से आई एम आई हम जो है रिपेयर करना है, ठीक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वैसे आई एम आई के कई सारे ऑप्शन जो है आपको सामने जो है खुल के आ जाएंगे। अब तक लिखिए टेंपरेरी आई एम ई आई रिपेयर, ठीक है। तो देखो हाँ, देखो जैसे आई एम ई सुबह आपने क्लिक किया यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुल गए। आई मैंने नंबर 1 2 3 4 आ गए नहीं आ गए ऐसा तो टेम्परेरी आई एम आई और परमानेंट आई एम आई रिपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। कुछ समय ठीक है। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है या परमानेंट का मतलब क्या होता है? काम चलाओ, टेम्परेरी मतलब काम चलाओ, और परमानेंट का ये वर्ड जानते हो नहीं जानते? टेंपरेरी परमानेंट वाला कोई टेंपरेरी का मतलब तेरे को समझ में आगे काम चलाओ और परमानेंट, परमानेंट मतलब लाइफ टाइम, लाइफ टाइम माइक पर चले मिस्टर। ऐसे फोन के अंदर भी आज मैं आपको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन तरीके से? एक तो टेम्परेरी कर सकते हैं, एक परमानेंट कर सकते हैं, लाइफ टाइम वाली, ठीक है। इससे कहा था लाइफ टाइम वाली बात दिलीप जाधव आपने कहा दिखाई तो पड़ रहे आगे। जैसे गर्लफ्रेंड मारी है टेम्परेरी है काम से ना है, शादी हो जाएगी बीपीएल नहीं परमानेंट हो जाएगी, ऐसे ही ना, ऐसे ही हाँ। तो ऐसे ही आई में भी कर सकते हो, काम चलाओ भी कर सकते हो और परमानेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो टेम्परेरी आई एम आई अगर आप रिपेयर करोगे तो अगर फोन को फॉर्मेट कर दोगे, ठीक है, फॉर्मेट कर दोगे तो आई में उसकी हट जाएगी। चाहे आप कंप्यूटर से फॉर्मेट करो, चाहे आप हाथ से फॉर्मेट कर लो, रिसेट हाइट रिसेट कर लो, आई में जो है निकल लेंगे। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, एसपी फ्लैश मैंने आपको बताया था,
पढ़ाया था इसमें में कि फॉर्मेट आल को डाउनलोड ऑप्शन अगर सिलेक्ट करके अगर आप फ्लैशिंग करोगे तो पूरा फोन इरेज हो जाता है, ठीक है। और उसमें आई एम ए आई नंबर और उसमें बेस बैंड नंबर होता है और क्या एफ आर पी लॉक भी जो है रिमूव हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या डिफरेंट है, तो प्रोसेस लिख लीजिए। प्रोसेस टेम्परेरी आई एम ई आई करने का प्रोसेस, ओपन मिरेकल टूल, ओपन मिरेकल टूल, इसके बाद बटन दबाएं कंट्रोल प्लस एन, दोनों बटन एक साथ दबाने से आई एम ई आई के ऑप्शन दिखाई देंगे। आई एम ई आई के ऑप्शन दिखाई देंगे, दिखने लगे। और इसका आई क्लिक आई एम ई आई स्विच ऑफ, क्लिक आई एम ई आई स्विच ऑफ, क्लिक करोगे इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है। आई एम आई चार दी गई यहाँ पे सामने, 1 2 3 4। तो पहले के जो चाइनीज फोन आते थे जिनके अंदर एम डी के सीपीयू लगा होता था उसमें चार सिम लगती थी, कितनी सिम लगती थी, चार सिम लगती थी, चार आम आई नंबर होते थे। आज रेट में तुम्हारे क्या है, दो सिम का है, एंड्रॉइड या कीपैड हो तो अब दो टाइप के होते हैं, चार से मतलब नहीं है। ऑप्शन दे दिया गया है चार आम आई नंबर ओपन करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि चार ही आपको भरनी पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। देखे किसी ने फोन चार सिम वाले, देख लो भाई, ठीक है। दुकानदारों को खरीद देखे होंगे, उसमें एक में आइडिया, एक में वोडाफोन, एक में एयरटेल, एक में यूनिटा रिचार्ज करने के डेमो डाल देते हैं एक ही फोन के अंदर, एक अलग अलग फोन रखना पड़ता है रिचार्ज करने के। पुराने दुकानदार तो जानते हैं ऐसे, तो अब चार से पहले फोन नहीं आते, अगर आ जाए ठीक है, तो इंसान मल के वापस आ जाए अपना मोबाइल ले जाए, ठीक है, उसका रखा रखाया हो तो अपने जो है आप चारों कर सकते हैं। तो अब ये क्या कर दिया आई में सुझाव, इसके बाद टाइप आई एम ई आई 1 एंड 2, दोनों में आई एम आई टाइप करेंगे आप, ठीक है। जो फोन पे होगी, बैक कवर पे होगी, उसके बॉक्स पे होगी, उसके बिल पे होगी, वो वाली चेंज करना इलीगल है, ठीक है। उसमें टाइप कर रहे हैं वाली बात कर सकते नहीं नहीं कि भैया आपको डालना ही डालना है ना, क्यों मिसाल किसी को कोई लड़की लेके आ जाए फोन, चलो रख तो डाल दो, फिर साल सही बात है ना, डालना पड़ेगा, भले छुड़ा के लाए हैं तो डालना पड़ेगा। तो आप इसको आए स्थाई वाली जो है डाल लीजिए, ठीक है। जब इसमें परमानेंट है सर, हां तो टेंपरेरी क्यों डालते हैं, किस कंडीशन में डालते हैं, कंडीशन आप ऊपर रखता तो नहीं, ठीक है। चलाने के लिए अगर कोई ये बताओ तो सबको पता है शादी होती है तो गर्लफ्रेंड क्यों करते हैं, अब तुम बिल्कुल क्यों बनाती है, हम बताए तुमको क्यों, आनंद गुप्ता सही बात है। हाँ कितनी है, दो या तीन फिलहाल एक ही है, मतलब और सी है पहले बात ऐसे ही बात मतलब की टेम्परेरी में, तो मतलब ये है काम से ऑफिस या चाहते हो कि नंबर की यार पैसा कमाने का किसी का सिस्टम है कि आप आज में सॉफ्टवेयर किया अगर कोई कुछ और बंदे क्या करते हैं अपना फोन खुद ही फॉरवर्ड करते हैं ना,
खाने से फिर हाई करने लगा तो फॉर्मेट किया फिर उसके आई एम आई उड़ गई फिर तो लेके आ गया भैया कर दो तो दोबारा कस्टमर भी आएगा समझे धर्मलाल जी ट्राई कौन करिए धर्मलाल आई बस समझ इस तरीके से तैयार कर सकते हो क्या कोई मतलब ऐसा मतलब फिर से मैंने कहा भी कोई अपनी लड़की वाली बात नहीं मतलब हो सकता है आपकी शादी हो जाए आपकी शादी लेके आ जाए मोबाइल ठीक है जीजा जी बना दीजिए इसको जीजा जी तो भैया भूले नहीं संभाल रहे हैं लेकिन माल को भी डर रहे हैं पता नहीं कब बदलने लगा आई एम आई का बदल रहे हैं माल चोरी का है लेकिन इज्जत वाली बात क्या है वहाँ पे आपको आई एम आई नंबर बदलना है होती क्या सिचुएशन ऐसी नहीं होती देखो पता है सच्ची मना नहीं कर पाते हैं ठीक है तो उस कंडीशन पे आप ये बोले ठीक है चिपका दो कभी पकड़े भी जाओ तो फॉरवर्ड कर दो तो कहाँ डाली भी तो ठीक है तो ऐसे करके आपको कर सकते इसलिए हम लोग पहले जो है टेम्परेरी आईएमआई का यूज करते हैं ठीक है आप लोग ऑप्शन है ठीक है यार मोहब्बत ना करो शादी करो जाके ठीक है रमलाल जी कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो टाइप करेंगे आईएमआई नंबर 1 एंड 2 ठीक है इसके बाद क्लिक रीबिल्ड बटन देखो नीचे दिया बटन एक बटन दिया गया है रीबिल्ड क्लिक करिए रीबिल्ड बटन जब दोनों आईएमआई नंबर आप लिख लोगे तो रीबिल्ड पे टिक करना है क्लिक ऑन रीबिल्ड बटन जो हम ये नोट करा रहे हैं 100% प्रैक्टिकल है ठीक है ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आपका फोन का आईएमआई नंबर रिपेयर होगा 100% ठीक है इस तरीके से आप लोग देखते हो अच्छा हम हिंदी बोलते हैं गुजराती लिखते हो तुम नेपाली लिखते हो रवि तुम डायरी लिखते हो बिहारी वाली क्लिक रीबिल्ड बटन ठीक है इसके बाद क्लिक ऑन न्यू बीटी देखो आप ऊपर दिया फैक्ट्री के बगल में दिया न्यू बीटी फैक्ट्री के बगल में ये लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए ये न्यू बीटी देखो दिखा सबको नहीं दिखा क्लिक ऑन न्यू बीटी रिबन पे टिक करो पहले रिबन पे टिक करो हाँ न्यू बीटी पे टिक और इसमें दोनों पे क्लिक रहेगा न्यू बीटी पे भी क्लिक रहेगा और इसमें भी क्लिक रहेगा दिलीप यादव आपके पास ओरिजिनल है चलाना नहीं है तो आप सीख रहे हो चलाना पता था पहले कैसे करना है बंद कर लीजिए ठीक है और उसके बाद क्लिक स्टार्ट बटन क्लिक ऑन स्टार्ट बटन क्लिक ऑन स्टार्ट ठीक है और इसका कनेक्ट फोन यूएसबी के वही कनेक्ट कराने का तरीका है आपका ये प्रोसेस हो गया आपका आज स्थाई यानी कि टेम्परेरी आईएमआई रिपेयर ठीक है आप चाहो तो लिखना यहाँ पे कि इसमें अगर फोन को फॉर्मेट कर दोगे तो ये आईएमआई खत्म हो जाती है हाँ नोट में बना के लिख दीजिए अगर आप फोन को फॉर्मेट कर देते हो पार्ट रीसेट कर देते हो बैटरी रीसेट कर देते हो तो फोन की आई एम आई फिर से हट जाए हाँ धर्म जी बताओ आई एम आई जो है आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए टेम्परेरी वाला जैसे हम आप लोग यहाँ पे अभी एक महीने के लिए रह रहे हो ये क्या है अस्थाई है घर में पहुंच जाओगे आपका अस्थाई है ठीक है आई बात समझ अब ये परमानेंट आई एम आई रिपेयर करना ठीक इसमें लिखिए इसका भी प्रोसेस जो प्रोसेस मैंने लिखा है सेम है इसका भी प्रोसेस सेम है इसका भी प्रोसेस सेम है लेकिन हमें न्यू बीटी पे क्लिक नहीं करना क्या करना है न्यू बीटी जो हमने टिक लगाया था उस पर क्लिक नहीं करेंगे और वही अपना प्रोसेस ओपन करेंगे टूल कंट्रोल एम दबाएंगे तो आई एम आई ऑप्शन हाईलाइट होंगी एम आई स्विच ऑफ भी क्लिक करेंगे ठीक है आईएमआई नंबर टाइप करेंगे और रीबिल्ड वाली बटन दबाएंगे स्टार्ट वाली बटन दबाएंगे कनेक्ट फोन यूज भी केवल ठीक है केवल न्यू बीटी नहीं काम बटन जो टिक लगाना है ये लिख लीजिए
ठीक है, कि बस पूरा वही सेम। अगर आप न्यू बिल्टी पे लगा दोगे तो वो अस्थाई हो जाएगी, और उसको टिक हटा लोगे तो परमानेंट हो जाएगी। हाँ, फैक्ट्री के नीचे लिखा न्यू बिल्टी, उस पर एक नहीं क्लिक रहना चाहिए, केवल जिस पे रिबेट वाली बटन पे, रिबेट पे टिक नहीं लगाएंगे ना फैक्ट्री पे। हाँ बोलो, ऑनलाइन कौन बोल रहा था क्या? इस केस में हमें टेम्परेरी करना, इस केस में परमानेंट प्रोसेस यूज करना। इसका कौन सा नाम बताओ? अविनाश। अविनाश, देखिए अगर आप किसी फोन का आईएमआई नंबर आपके पास नहीं है, मान लो कोई फोन लेकर कस्टमर लेके आया, आप उसको जानते नहीं है कि भैया किसने आईएमआई नंबर करना है, बदलना तो है नहीं, पहली कंडीशन तो यही है। लेकिन वो पता चला कि कोई आपके कोई रिलेशन में या जान पहचान का दोस्त आ गया कि भाई यार इसका फोन बना दो, ये मेरा बहुत खास है, ठीक है, उस कंडीशन में आप जो है अस्थाई चिपका सकते हैं, ठीक है, आपका रिक्स भी कम रहेगा, कभी वो फोन फॉर्मेट करेगा फिर चैट जाएगा। कस्टमर बनाने हो तो भाई अब जब कोई चैनल में कोई कर ही नहीं पाता सॉफ्टवेयर, अब ये है बात, सब किसी को उड़ गया आज महीने का, आपने परमानेंट ना करके आस्थाई कर दिया, ठीक है, फिर उसने जब साल कार चलाया, छः महीने चलाया, फोन फॉर्मेट कर दिया, फिर उसका उड़ गया, घटना उठने गया, ठीक है, परमानेंट वाले परमानेंट ये सही है, देख मतलब इस कंडीशन पे करना है, तरीके मैंने दोनों बता दिए आपको जो सही लगे।